हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु एक्टर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम बातें करेंगे हमारे बॉलीवुड के एक्टर रमेश गोयल जी, जो कि काफ़ी सीनियर एक्टर है और उन्होंने फिल्मी दुनिया में काफ़ी काम किया है, वेब सीरीज में किया है, टीवी शोज में किया है। तो मैंने सोचा कि आज एक इंटरव्यू करते दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को उनकी जुबान से उनके बातें शेयर करते, बात करते हैं उनसे। चलिए हम बात करते हैं। रमेश गोयल जी नमस्कार। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। चलिए भाई अब जी बोलिए। आशु भाई से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरा, काफ़ी जगह इंटरव्यू हो रहे हैं, आजकल काम भी अच्छा चल रहा है मेरा और इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा चल रहा है, फेसबुक सब जगह अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और अभी इंटरव्यू हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे क्षण है। एनीवे, आशु भाई का सोचना ये है कि मैं सीनियर एक्टर हूँ, इसलिए मुझे कुछ बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए नए आने वाले एक्टर को। तो नए आने वाले एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको यहाँ पर आकर के अपनी टाइम को खराब नहीं करना, अपने टाइम को, टाइम जो है वो टाइम का पंचल होना, टाइम का सही इस्तेमाल करना, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंसियरिटी हमेशा पे करती है एक्टर को। आप जब यहाँ पर आए, जिस हिसाब से भी हस्तगल करें, जिस हिसाब से भी जिससे भी मिले वो सब ठीक है, लेकिन चूंकि सिस्टम ऑडिशन का है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर आने वाले नए आदमी को ऑडिशन देना पड़ेगा, तो तैयारी करके आए। तैयारी करके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कंपटीशन है, इतने लोग आए हुए हैं, इतने एक्टर्स हैं यहाँ पर, मैं उनको स्ट्रगलर तो नहीं बोलूंगा, वो इतने प्रयासरत हैं, इतने एक्टर यहाँ पर कि वो इतने ऑडिशन देते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो यो आदमी यहाँ पर आके मेहनत नहीं कर सकता है, मेरे हिसाब से उसको नहीं आना चाहिए एक्टर बनने के लिए। जो मेहनत कर सकता है उसको अवश्य आना चाहिए, एक बार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो कामयाब होगा, क्योंकि जब आप तैयार हैं, ऑडिशन देंगे, लोगों से मिलेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि सर ने बताया, मैं हमेशा वही कहता हूँ कि बिना स्ट्रगल, और देखो स्ट्रगल तो सबका है, लेकिन पेशेंस, सब्र, सब्र रखने वाले के साथ खुदा भी है। तो सब्र रखे और हर दिन कुछ ना कुछ अपने ऊपर क्राफ्ट पे काम करे, टैलेंट को निखारे, बिल्कुल काम मिलेगा, 101% आपको काम मिलेगा। सर एक और एक क्वेश्चन है कि आप बेसिकली कहाँ से हो, बिलोंग करते हो और आपकी जर्नी क्या है? मतलब जर्नी अगर पूछूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इतने सीनियर है हमारे रमेश गोयल जी, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि कहाँ से थे और क्यों सोचा कि मुझे एक्टर बनना है और कब आया। देखो जी, मैं रहने वाला आगरा फतेहपुर सीकरी का हूं और वहां से मैं 50 साल पहले यहां पर आया था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पापड़ वेले, बहुत मेहनत की, बहुत सिंसियर था, इसलिए मुझे काम मिलना शुरू हो गया और मैं 50 साल से लगातार काम कर रहा हूं। मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, गूगल IMDb पर मेरी 192 हिंदी फीचर फिल्म है, और इंस्टाग्राम चेक करेंगे आप या फेसबुक चेक करेंगे, यूट्यूब, मेरे हर जगह 50 साल का अनुभव है। इंस्टाग्राम में तो मेरे 1,13,000 फॉलोवर्स हैं और 57,000 मेरे फेसबुक पर है। इतने सब काम करने के बाद में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ होते हुए मेरी जर्नी बहुत हार्ड रही, क्योंकि मैं विद फैमिली यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, फैमिली को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फैमिली के साथ आ गए। हाँ यस, फैमिली के साथ आया था मैं और ऊपर वाला बड़ा मेहरबान था, जो उसने मेरी फैमिली को भी पाला और मुझे भी पाला, आज भी पाल रहा है और कल भी पालेगा, मेरा विश्वास है। और मैं इस लाइन से रिटायर होने वाला नहीं हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं एक्टिंग करूंगा। क्या बात है सर, ये एक कलाकार के अंदर होता है और यही चीज मैं बोलता हूँ, अंदर जज्बा रखो, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस भाई, एक्टिंग देखो नॉर्मल, ओके ओके, बट अगर आपके अंदर जज्बा है, आप आज नहीं तो कल, मैं बोल रहा हूँ 101% कि आप काम करोगे, हर आदमी कामयाब होगा, हर आदमी होगा, बिल्कुल, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा, क्योंकि मैं तो कुछ था ही नहीं जब 50 साल पहले, लेकिन मैंने मेहनत की तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ और यहाँ तक मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटी भी लोग मानते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं, सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत की, ऊपर वाला मेरे साथ था, उसने मेरे को संभाल के रखा,
और मैं आज यहाँ पे आपके लोगों के सामने हूँ, और ये हर आदमी के साथ में आप मेहनत करेंगे, ऊपर वाले विश्वास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मंजिल जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। और साथ में मैं ये कहूंगा, चैनल आशु एक्टर, आशु एक्टर की चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी कर सकते हैं लाइक कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, कमेंट करिए। यस, और दूसरी बात, यस, और दूसरी बात यह है कि मेरा भी इंस्टाग्राम पर जो है फॉलोवर्स है, आप मुझे फॉलोवर्स बढ़ाइए। मेरे आईडी है मेरी रमेश गोयल एक्टर, और फेसबुक की आईडी है एक्टर रमेश गोयल, उस पर 56-57 हजार मेरे फॉलोवर्स हैं। मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की, अभी मेरी इच्छा है पूरी नहीं हुई है, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और इनको भी बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, लव यू।